होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यानी कि थोक महंगाई दर लगातार कम हो रही है। खासतौर पर फरवरी 2023 के महीने के डेटा को अगर आप देखेंगे तो WPI का जो डेटा है वो 25 महीने के लो पर आया है 3.85% पर। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में जो लगातार इन्फ्लेशन की कमी हो रही है, फ्यूल में जो महंगाई दर कम हो रही है, पावर के जो प्राइसेस कम हो रहे हैं, इन सभी का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप हेडलाइन इन्फ्लेशन डेटा पे देख पा रहे हैं। खासतौर पर ये 9th स्ट्रेट मंथ है जब होलसेल महंगाई दर कम होती हुई हमें दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप जनवरी की बात करेंगे तो यही दर 4.73% थी। पिछले साल फरवरी 2022 की अगर आप बात करेंगे तो यही WPI का डेटा आपको 13.4% पर दिख रहा था, और अगर आप उस हाई बेस इफेक्ट से देखेंगे तो डेफिनेटली कमी आई है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी में क्या इस होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल महंगाई दर खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए होती है। यानी कि फैक्ट्रीज जब कुछ सामान बनाकर होलसेलर्स को बेचती हैं, उनके लिए जो इन्फ्लेशन होता है उसका दर होता है WPI इन्फ्लेशन। यही जब सामान आपके घर के पास वाली दुकानों में आता है तब आपको रिटेल प्राइसेस देने होते हैं और इसीलिए वो प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं। हालांकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं WPI और CPI में जो अंतर होता है वो धीरे धीरे कम भी हो सकता है अगर परसिस्टेंटली WPI इन्फ्लेशन में या तो कमी आती रहे तो आगे जाते हुए रिटेल महंगाई दर भी कम होती है, अगर बढ़ता रहे WPI कंसिस्टेंटली बहुत समय तक तो CPI भी महंगाई जो है वो रिटेल महंगाई भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालांकि आम लोगों के जीवन में इमिजिएटली इसका इम्पैक्ट नहीं देखेगा, थोड़े वक्त के बाद आप इसे आसपास की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों में, जूतों में इसका असर देख पाएंगे अगर ये कंसिस्टेंटली लोअर रहता है और ना कि उतार चढ़ाव के साथ। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।